फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन। आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन। ठीक है, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, अबाउट वाई वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस में हम आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये आई सेक्शन आप देख रहे हो, अगर हम इसको एक्स एक्सिस में कट करते हैं, किस एक्सिस में, अगर इसको हम एक्स एक्सिस में कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। बट ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये बाय एक्स एक्स में कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय एक्सिस से निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो उन क्वेश्चंस में पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे पर्टिकुलर सेक्शन का, फिर उसके बाद हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और सेकेंड थिंग ये देखना है हमको इसमें, वो हम ये देखेंगे कि इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। ठीक है, जैसे आई सेक्शन है, इसमें थ्री रेक्टेंगल्स बनेंगे। तीनों रेक्टेंगल्स का हम इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिससे क्या है, सॉल्यूशन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। सिंपल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप निकाल लोगे और फिर टोटल को ऐड करोगे, तो टोटल ओवरऑल उस पर्टिकुलर एक्सेस में उस पर्टिकुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना। तो पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं, किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन आई सेक्शन मेड अप ऑफ द थ्री रेक्टेंगुलर शोन इन फिगर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेक्शन। चलिए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलर वेव और फ्लेंज की साइज नहीं दी है, उसने शोन इन फिगर बोला है। तो शोन इन फिगर देखिए, ये है जो टॉप फ्लेंज है, उसकी विड्थ है 60 mm और उसकी थिकनेस है 20 mm। जो वेव है, उस वेव की जो हाइट है वो है 100 mm और थिकनेस कितना है, 20 mm। और थर्ड जो है, जो बॉटम फ्लेंज है, उसकी विड्थ है 100 mm और थिकनेस है 20 mm। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, कई बच्चों को जब मैं क्लास लेता हूँ तब भी बताता हूँ, कि जब हम किसी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट नहीं करते, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो सेक्शन जिससे कनेक्टेड है, उसका बेस कहाँ से मिलेगा, उसको नीचे से। जैसे आई सेक्शन को देखिए, आई सेक्शन में इनने क्या किया है, ऊपर वाले को इनने 1 रेक्टेंगल दिया है, बीच वाले को 2 और नीचे वाले को 3 रेक्टेंगल दिया है। बीच वाले में तो कोई इशू नहीं है और इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट जो एनालिसिस बोलते हैं, कोई भी सेक्शन है वो किसके थ्रू रुका रहता है, ग्रेविटी के थ्रू, तो नीचे से चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। पर इसमें भी ठीक है, इनने ऊपर से किया काम, वही करना है हमको, लेकिन हमारे जो एनालिसिस बोलते हैं, हमारे जो पर्सनल एनालिसिस बोलते हैं, वो यही होना चाहिए कि स्टार्ट पहले जो बॉटम वाला रेक्टेंगल है वो 1 होना चाहिए, ये बीच वाला 2 और ऊपर वाला 3 होना चाहिए। ठीक है, पर इनने इसको अपोजिट किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि हमें केवल सेंट्रोइडल डिस्टेंस चाहिए होती है, तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस जब हम लेंगे तो वो स्टार्ट आप नीचे से ही करोगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का सी जी। तो पहले हम इसके एरिया निकालेंगे, पर्टिकुलर सेक्शन में जो सी जी निकलेंगे वो निकालेंगे, बाई वन बाई टू बाई थ्री, ए वन ए टू ए थ्री निकालेंगे, फिर उसका टोटल नेट, टोटल मीन्स जो ओवरऑल सेक्शन का सी जी है वो निकालेंगे, फिर हम स्टेप करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। चलिए, पहले हमने रेक्टेंगल बन माना, उसका एरिया निकाला 60 × 20, 1200 mm स्क्वायर आएगा बेटा। यहाँ पे इनने mm कर दिया है थोड़ा सा, मतलब बाय मिस्टेक, पर कोई इशू नहीं, आप इसमें स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। चलिए, अब इसके बाद बाई वन चाहिए। अब बाई वन यहाँ पे जो हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, वो न्यूमेरिकल यहाँ पे इनने बाई वन की जो वैल्यू लिखी है वो हमारे अकॉर्डिंग बाई थ्री की वैल्यू आएगी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बाई वन को करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बाई वन कैसे आएगा, रेक्टेंगल वन कहाँ है, यहाँ पे है,
ठीक है, ये है रेक्टेंगल बार, और रेक्टेंगल का सी जी कहाँ मिलता है, उसके आधे पे, तो टोटल कितना है 20, और इसका आधा कितना होगा 10। चलिए ठीक है, इसका रेक्टेंगल वन का सी जी तो 10 हो गया, कन्फर्म हो गया, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, देखिए 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से, और 3 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बेस से, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट को मेजर कर लेंगे, मतलब ऐड कर देंगे 20 + 100 + 20/2, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर सेक्शन का सी जी ले रहे हो उसका तो आधा ही होगा, लेकिन वो जुड़ा किससे है, 2 से और 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे बाई वन आ गया आपका 20 + 100 + 20/2, क्लियर, ठीक है। अब हम और आगे चलेंगे, रेक्टेंगल टू में सेम प्रोसीजर आ रहे करेंगे, सेम प्रोसीजर करने पर देखिए रेक्टेंगल टू का एरिया क्या आएगा, 100 × 20, ये आ गया 100 × 20/2 क्या आएगा, अब ऊपर वाला सेक्शन छोड़ दिया है हम, बीच वाले पर आ गए 2 तक, तो 2 कहाँ से है, ये नीचे वाले 3 सेक्शन से जुड़ा है, तो 20 + 100/2 ये आ जाएगा आपका सी जी बाई 2, ठीक है, सेम 20 + 100/2। ऐसे ही हम निकालेंगे A3, तो A3 क्या है, 100 × 20, उसके बाद बाई 3 कहाँ है, सबसे नीचे, जैसे जैसे हम कराते तो इसमें बाई 1 होता, तो बाई 1 क्या होता, 20 का आधा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखा जाए तो ये उनने ऊपर से नीचे की तरफ लिया है, तो ये नीचे वाले सेक्शन का मतलब बाई 3 क्या होगा, 20 का आधा, तो ये 10 आ गया, क्यों आया, क्योंकि इसको बाई वाई एक्सिस में काट रहे, तो जितनी हाइट कटती आएंगी उस सेक्शन का आधा आधा हमको लेना है, बाई 3 का ले रहे थे तो 3 सेक्शन जो है उसका आधा ले लेंगे, वो ले लिया हमने। देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया हमने टोटल सेक्शन का सी जी निकालने के लिए, तो बाई बार बराबर क्या हो गया, A1 / A2 / A2 / A3 / A3, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई नेट कितनी, 60.8। अब हमको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो था क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो देखिए इसमें कौन सी एक्सिस थ्योरम लगती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कौन सी एक्सिस थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो IXX1 निकलेगा, IXX2 निकलेगा और IXX3 निकलेगा, क्या निकलेगा, IXX1 निकलेगा, IXX2 निकलेगा और IXX3 निकलेगा, ठीक, और टी सेक्शन में 3 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, तो हम तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग पहले इंडिविजुअल क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले हमने निकाला एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रेक्टेंगल वन का, तो वो रेक्टेंगल वन का पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, इसमें जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है तो फॉर्मूला होता है IXX = IG + AH2, यहाँ IG है जिस सेक्शन पे बात कर रहे हो, IG क्या है, जिस सेक्शन पे बात कर रहे हो उस सेक्शन का सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम वन पे बात कर रहे हैं तो ये क्या है, रेक्टेंगल, इसके सेंटर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, BDQ/12, क्या होगा, BDQ/12, तो आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद AH2, ए क्या है, IG + AH2 होता है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो सब में लगेगा, IXX1 में भी वही लगेगा, तो IG1 आ जाएगा प्लस A1H1 का स्क्वायर आएगा, ऐसे ही IXX2 में IG2 आएगा, A2H2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे ही I3 में होगा, ठीक है, जब हम IXX3 निकालेंगे तो उसमें IG3 आ जाएगा और प्लस A1H1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो देखिए पहले आई इसमें लगाते हैं, जब रेक्टेंगल वन में निकाला तो IG1 लगा दिया, IG1 में देखो B की वैल्यू है 60 और D की वैल्यू है 20, तो BDQ/12, ये तो क्या हुआ, केवल उसके सेंटर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ गया। अब आपको चाहिए H1 की वैल्यू, क्या चाहिए है, H1 की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना है जिस सेक्शन के लिए बात कर रहे हो, जैसे अभी आप रेक्टेंगल 1 के लिए बात कर रहे हो, तो रेक्टेंगल 1 पे एक रेक्टेंगल 1 का सी जी आया होगा जिसको आपने बाई 1 बोला होगा, और एक ओवरऑल सेक्शन का सी जी आया होगा, किसका, ओवरऑल सेक्शन का सी जी जिसको बाई बार बोला है, तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं और हमारी वो वैल्यू क्या आ जाती है, H1, और H1 क्या है, यह है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और ऑफ रेक्टेंगल जिस सेक्शन के लिए बात कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो ये H1 कैसे आया, देखो 130 क्या था, बाई 1 की वैल्यू, और -60.8 क्या है, हमारे बाई बार की वैल्यू, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो 69.2 आ गया, ये आपकी आ गई H1 की वैल्यू, यहाँ पर रख दिया इस फॉर्मूले में, जैसे इस फॉर्मूले में रखा आपने, देखिए ठीक है, रखने के बाद ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 57
5786 × 10⁻³ mm²। सेम हम करेंगे टू के लिए, किसके लिए देखिए मैंने सेम किया टू के लिए, तो टू के लिए IXX2 निकालोगे जब, तो टू वाले सेक्शन का पहले क्या निकालोगे आप, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा IG2 हुआ तो BDQ/12, क्या BDQ/12, अब ये BDQ/12 रखा आपने तो B की वैल्यू 20 है उसकी और D की वैल्यू 100 है, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, देखिए D कितना है 100 और B कितना है 20, है कि नहीं। अब हम आपको वहीं ले चलते हैं जहाँ से हम आए, ठीक है। तो ऐसे ही H2 निकालना है, क्या निकालना है H2, मैंने बताया ना H कैसे निकलेगा, जिस सेक्शन का बात, जिस सेक्शन पे बात कर रहे हो उस सेक्शन का CG माइनस होगा उसके पर्टिकुलर सेक्शन, ओवरऑल सेक्शन का CG, लेकिन कब, जब वो वैल्यू बड़ी होगी तब। जैसे यहाँ देखो H2 में देखा आपने तो Y2 क्या है, Y2 क्या है, उस पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल 2 है उसका CG, तो वैल्यू बड़ी है तो 70 - 60.8, तो ये क्या है Y2 - Y bar किया है यहाँ पे, क्यों किया है, क्योंकि अभी भी Y2 क्या है ज़्यादा है Y bar से, अगर Y bar से कोई वैल्यू कम होगी तो फिर Y bar में से घटाएंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे वो निकलेगा आपको 3 वाले सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे भी हमने IXX2 निकाल दिया, इसमें रखा और ये हमारा क्या निकल गया IXX2 1836 mm²। अब हम बात करेंगे 3 के लिए, तो IG3 निकालेंगे, IG3 में फिर BDQ/12 लगाया, जैसे ही BDQ/12 लगा तो ये आपने देखो ये आ गया 66.7 × 10⁴ आया। अब इसमें क्या बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस, अब फिर से H3 चाहिए। अब H3 कैसे निकलेगा, देखो मैं बताता हूँ, H3 अब ऐसे निकलेगा कि जो Y3 है और Y bar, इन दोनों में देखेंगे कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, अब Y3 और Y bar में Y bar की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो हम Y bar में से माइनस कर देंगे Y3 को, तो 50.8 ये आ गया आपका H3। इसमें रख दीजिए IG3 प्लस A3H3 में रखा आपने, ये वैल्यू रखने के बाद देखिए आपका आंसर आया 5228 × 10�³। अब ये IXX1, IXX2, IXX3 तीनों निकल गए हैं, तो अब हमें चाहिए टोटल IXX। तो देखिए IXX = क्या आ जाएगा, ओवरऑल उस होल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया XX एक्सिस में, क्या ओवरऑल होल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मींस I सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया XX एक्सिस में निकाला, तो देखिए ये जोड़ दिया IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3, तो ये आ गया आपका 12850 × 10³। आपको याद रखना है ये कौन सी थ्योरम लगी है, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थैंक यू।